Alright, what's up everybody, this is Mr. Khan back again with a new video. So guys, अभी पता रात के ना 12 बज रहे हैं और एक्चुअली आज क्या है, मेरा बर्थडे. ठीक है, हाँ मेरा बर्थडे है, 12 बज गई है तो मेरा बर्थडे है. और मेरी बहन ने पता है 9 बजे से हमें सोने नहीं दिया, मैं दूसरे रूम में बिठा रखा है, वो पता नहीं क्या कर रही उस रूम में. मेरा दोस्त भी आ गया मेरा विश करने और अभी इसका भी पता नहीं कहाँ प्लान है. तो अभी तो पहले मेरी बहन का सरप्राइज देखते हैं, फिर इसका सरप्राइज देखते हैं. तो गाइस चलो चलते हैं देखते हैं. कितने ये? मुझे दिख नहीं रहा. हाँ जान मुझ के. नहीं दिख रहा. ओवर 18. ओ वैसे मैंने एक बार खोल लिया था. देख वो ताली का है, एक नाम लिखा हुआ है. ताली भी तो खुला. क्या मालूम उसको माथे में. नहीं तुम तो रहने दो ऐसे ऐसे. हाँ एक नंबर लगेगा. मतलब यार इतना तगड़ा डेकोरेशन मेरी बहन करेगी इतनी सी उम्र में. वाह वाह. चले मतलब कमेंट चाहिए मेरे को इस चीज के लिए कि तुम्हारे ब्लॉगर का पार्टनर ही नहीं है. ये क्या बात है, फोन मारने वाला केक अलग लग अभी तो ना सरप्राइज ओवर नहीं हुआ मेरा. देखो ये भी आ गया. इसको खंडाला जा रहे हैं सुबह पहुंचेंगे हम वही. अपना बर्थडे बनेगा बढ़िया तरीके से. क्या पार्टियां बनने, वो फार्म हाउस बुक कर रहेगा वहाँ पे. फार्म हाउस में मजा आ जाएगा क्या. तुम रजियन नगर जाने वाला. अरे रजियन नगर रजियन बुलाएंगे रजियन. So guys, अभी डे खत्म नहीं हुआ है तो अभी रात की हमारी पार्टी बाकी है. देख सकते हो तो दोनों के दोनों भाई हम फॉर्मल में लग रहे हैं. तो गाइस चलो चलते हैं एक नई जगह पे, तो मैं एक नई लोकेशन बताता हूँ. तो गाइस चलो चलते हैं देखते हैं. तू लग रहा है बर्थडे बॉय तो मैं तो ना लग रहा. जम रहा है ऐसा ही. मेरे दोस्त की पार्टी मतलब है, तीन ही जा रहे हैं हम बस. अभी ने दिए मेरे को पार्टी. तो ये है गाइस सुद्धाम कोटी. तो गाइस हमारे साथ एक चोट हो चुकी है एक्चुअली, जिस इसमें जाने वाले थे हम सुखधाम कोटी में, उसमें किसी ने पहले से वेडिंग बुक कर रखी है. तो कोई मतलब नहीं है हमने फोकट का खाना खाने से, इसलिए चलो चलते हैं अब किसी और होटल खाने. क्योंकि दो चार चीजें जगह है जो मैंने सोच रखी है. तो गाइस चलो चलते हैं देखते हैं. तो गाइस अभी हम पहले आए हैं गुलशन ईरानी में, बिकॉज क्योंकि मेरा भाई जो है फास्ट फूड तो खाता नहीं है, तो उसके लिए तो यहीं आना पड़ेगा. तो उसको पहले खिला देते हैं, उसका पेट भर देते हैं. तो गाइस अब हम आ चुके हैं ऑर्टस में, यहीं करेंगे ऊपर चलेंगे. ये सूट बूट चेन तगड़ी लग रही है यार, अश्विन का गिफ्ट. तो गाइस फिर हम दूसरे होटल में हैं, इस बार हम हैं वॉल फ्लावर किचन में. होटल टू होटल घूम रहे हैं, मतलब आज हम एक्सप्लोर करेंगे सारी होटल्स को, कौन सी बेस्ट लगेगी. सो गाइस ये है वॉल फ्लावर किचन. पेंटिंग्स भारत का नक्शा. एंड लुक व्हाट आई फाउंड, मोना लिसा ओरिजिनल है. सो गाइस ये है द वॉल फ्लावर किचन. इंटीरियर बहुत तगड़ा, मिरर सी मिरर है सब जगह. तो गाइस मेरा मुझे तो आ गया.
ब्राउनी फॉर माई फ्रेंड अभय शर्मा। अब मुझे समझ में आया इसको टाइम क्यों लगा, क्योंकि इतना सच के आई है ना, इसलिए इतना टाइम लग गया इसको। ऐसा लग रहा है जैसे राजा महाराज के यहाँ बैठे हैं। देख वॉल्स पे पूरी पेंटिंग्स पेंटिंग्स है, मोनालिसा की पेंटिंग होगी यहाँ तो, पेंटिंग्स पेंटिंग्स पूरे में। भाई रात के 11 बज रहे हैं और अब जाके हमारी पार्टी कंप्लीट हुई है। मैं कर रहा हूँ, बाकी हमें क्या करनी थी, पीना था तो हमें पीना ही था, कुछ अच्छा अलग खाना था तो खाना था, भले हमारा पेट भर चुका था वहाँ पर गुलशन ईरानी में, लेकिन क्या करनी थी तो करनी थी। नाइट का माहौल ही अलग है यार, बिल्कुल मतलब लिटरली बिल्कुल अलग। दिन में जो लगता होगा ना उससे प्यारा तो नाइट में लगता है जगह। और ये अभी ने अनफिनिश छोड़ दी क्योंकि पेट तगड़ा था गाइस। मतलब सच बताऊँ बहुत प्यारी होटल है लिटरली, मतलब पूरे में एक तो रूफ टॉप, ऊपर से माहौल बहुत प्यारा, मतलब एक बार तो जरूर आओ, जरूर आओ। सो गाइस फाइनली हमारी पार्टी ओवर हो चुकी है। मतलब कितने चीजें घूमे होंगे, देखो हम गुलशन हम पहले गए कहाँ पे, सुबदाम कोठी, फिर उसके बाद हमने गुलशन नारायण जाके पेट भरा, फिर ओटस गए, ओटस में भी रूफटॉप का बंद था, वहां पे रेस्टोरेंट फुल था, फिर उसके बाद हमने कहा चेक किया था कंट्री इन, कंट्री इन का भी रूफटॉप बंद। आज का दिन ही अजीब था, मतलब सुबह से सरप्राइज सरप्राइज मिल रहे हैं मेरे को, ये भी कोई सरप्राइज था। ये होगा हमारा रात का एंड पान का गए रजवाड़ा पान बेकर्स के पास, और ये रहा हमारा घोड़ा, और ये रहा हमारे उस्ताद, ये हमारे उस्ताद नशे में पुल वो भी अभी भी चढ़ाए रहा, वो अंदर बैठ के देखे आ गया उतर के। और सो गाइस अब आ चुके हम फाइनली घर, तो चलो अपना पहले गिफ्ट्स देख लेते हैं, दिन भर में क्या क्या गिफ्ट मिले हैं, फिर उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे। तो गाइस ये तो मेरे को मेरी बहन ने दिया था कप है, जिसमें मेरे फोटोज लगे हुए हैं, और सच में बहुत प्यारे प्यारा लग रहा है मेरे को, क्योंकि उसने फोटोज भी बहुत सही चूज किए। और ये मेरे को मिला है मेरे मामा के यहाँ से, ये लाइट ग्लो करती है जब भी चलता है ना। और ये देखो है ना, और बताता हूँ ये है, इसमें है पर्स और ब्रांड का है सच में। ये मेरे फ्रेंड ने दिया अभय ने, देखो ये से खुलता है, एक परफ्यूम, गॉगल्स, वॉच, और ये मिला है मुझे कोचिंग में छोटे बच्चों से, जिसमें ट्रॉफीज थी जो खाली कर दी मैंने, खा गया तो, और दो टी शर्ट्स, इतना कुछ मिला और काफ़ी सारी विशेष। सो गाइस तो जिसने भी मेरे बर्थडे विश किया था थैंक यू सो मच, और गिफ्ट बहुत अच्छे अच्छे से। और एक और ये भी गिफ्ट था, ये मुझे मेरे दोस्त ने दिया था अश्विन ने, थैंक यू सो मच अश्विन। और हाँ मेरा एक शोएब का गिफ्ट आ नहीं पाया, उसने ऑनलाइन ऑर्डर तो किया था लेकिन वो एक दो दिन में मेरे पास पहुंच जाएगा, क्या होगा वो उसने अभी तक सरप्राइज है तो मुझे नहीं पता क्या होगा। तो गाइस मुझे तो बहुत मज़ा आया, और थैंक यू सो मच जिसने मुझे विश किया। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम बेबी, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो जाके, बाय. Didn't even get to bronze.